हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक है उसकी जो चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.3 की हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट 6, 4 और 2, 12 है। ये आप जो लाइन देख रहे हो ना, ये कह रहा है कि इस ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है वही दूसरी लाइन। सपोज मैंने ये लाइन ले ली है, ठीक है, तो ये जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, मैंने ये जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है ए बी पर, इसको मैं नाम देता हूं सी और डी। ये लाइन सी डी है जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस सी डी की स्लोप हमको फाइंड करनी है। कंडीशन क्या दे दी इसने, जो ए बी है ना उस पर परपेंडिकुलर है सी डी। ओके ठीक है, तो दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप में रिलेशन क्या आया था, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। ओके, अगर मैं एम वन ए बी की स्लोप को लेट करूं और एम टू सी डी की स्लोप को लेट करूं तो एम वन इंटू एम टू -1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां से एम टू मेरे को मिल जाएगा, एम टू मतलब सी डी की स्लोप। तो यहां पे मैं ए बी की स्लोप को एम वन लेट कर लेता हूं। ओके, स्लोप ऑफ ए बी उसको मैंने एम वन लेट किया। ओके, और जो सी डी लाइन है उसकी स्लोप को एम टू लेट किया, तो मेरे पास एम वन क्या मिलेगा, एम वन यानी ए बी लाइन की स्लोप। तो ए बी लाइन की स्लोप मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों एंड पॉइंट है, ए बी है और बी बी है ना। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो स्लोप आती है वो क्या आती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1। हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दोनों देखें, x1 y1 6, 4 है और x2 y2 2, 12 है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y2 क्या है 12 माइनस y1 4 और नीचे x2, x2 क्या है 2 और x1 6 है। तो स्लोप पे क्या आएगी ab लाइन की जिसको मैंने m1 लेट किया, ऊपर 8 और नीचे माइनस 4। सोल्व करो, माइनस टू आया, ठीक है, एम वन आ चुकी है। यहां पे आपको ए बी और सी डी परपेंडिकुलर दे रखी है इसने, है ना, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या कहो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो ए बी की स्लोप और जो सी डी की स्लोप मैंने एम टू लेट की, ए बी वाली की एम वन लेट की, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। तो मेरे पास एम वन की वैल्यू क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई एम टू इक्वल माइनस वन, तो यहां से एम टू मेरे को मिल जाएगा। एम टू क्या आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस टू यानी 1/2। ओके, और यही मेरे को फाइंड करनी थी जो कि सी डी लाइन की स्लोप है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब 8th में आपको बोल रखे इसने सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हमको प्रूव करने हैं। तो ये तीन पॉइंट कोलिनियर कब हो सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन क्या था, इन तीनों से जो लाइन सेगमेंट आ रहा है जैसे कि ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, तो इन तीनों सेगमेंट की स्लोप सेम होनी चाहिए। और अगर आप किन्हीं भी दो की स्लोप सेम कर देते हो तो भी ठीक है, लेकिन हम तीनों ही कर देते हैं, ठीक है। कई बुकों में कहीं जगह दो जैसे ए बी और बी सी की स्लोप सेम कर रखी होगी वो भी ठीक है, और अगर तीनों कर रखी है तो भी ठीक है। ओके, तो मैं तीनों कर देता हूं। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन लिखते हैं, पहले जो कंडीशन है वो लिखते हैं, फोर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे कब, जब स्लोप ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप और ए सी की स्लोप इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। तो ए बी की स्लोप मैं फाइंड करता हूं, स्लोप ऑफ ए बी, तो ए और बी दो पॉइंट है आपके पास, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहां पे वाई टू क्या है, फोर माइनस वाई वन थ्री अपॉन एक्स टू वन माइनस एक्स वन टू, कितना आया, वन अपॉन माइनस वन यानी माइनस वन। अगर मैं स्लोप फाइंड करूं BC की तो वो भी माइनस वन आनी चाहिए, तो BC के लिए फॉर्मूला तो वही है, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, लेकिन पॉइंट ये और ये है, ठीक है, तो y2 8 और y1 4 हो जाएगा, 8 माइनस
फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन, ऊपर क्या प्लस फोर और नीचे क्या माइनस फोर, सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस वन। ठीक है, अभी तक सेम आ रहा है। अब तीसरा और निकाल लो, तीसरी जो लाइन सेगमेंट है एसी उसकी स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट एसी। अब की बार ए और सी पॉइंट है आपके पास, तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेट कर लो, तो y2 8 y1 3 यानी 8 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 3 माइनस 2। हाँ ठीक है, माइनस 3 माइनस 2, ऊपर प्लस 5 और नीचे माइनस 5, कैंसिल हो गया माइनस 1। तीनों की स्लोप सेम आ रही है, इसका मतलब hence point A, B and C are collinear, hence prove। next देखते हैं ninth, ninth में भी इसने eighth की तरह बोल रखा है कि ये जो तीन point है A, B और C, अब की बार इसने बोल दिया कि ये तीनों collinear है, तब हमको इसे unknown value x की value find करनी है। ठीक है, अगर ये तीनों point collinear है तो इन तीनों की स्लोप सेम होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक्स वगैरह फाइंड करेंगे तो कोई भी दो स्लोप लेके इक्वल कर देंगे ना, तो मैं ए बी की और बी सी की या ए बी की और ए सी की स्लोप इक्वल कर देता हूं, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये तीन पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी की जो स्लोप आएगी वो बी सी की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए और वो ए सी की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए, तो आपको तो कोई दो इक्वल करने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ए बी की स्लोप निकाल लेता हूं, ए बी की स्लोप वाई टू माइनस वाई वन यानी टू माइनस एट, टू माइनस एट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस फोर माइनस एक्स इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, बी सी तो ये x1 y1 ये x2 y2 लेट कर लो, तो y2 माइनस y1 यानी माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू और नीचे क्या x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस फोर, तो वो प्लस फोर हो जाएगा। इनको सोल्व करो, माइनस सिक्स नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, 4 प्लस x हो गया, अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस थ्री और नीचे 9, ये भी कैंसिल, सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स थ्री जा एटीन और माइनस फोर प्लस एक्स को, सॉरी फोर प्लस एक्स को माइनस वन से करो तो माइनस फोर माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, इधर माइनस फोर और ये इधर आएगा तो माइनस एटीन हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ट्वेंटी टू, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ, टेंथ में इसने बोल रखा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट है 3 5, बी के कोऑर्डिनेट है 5 8, यानी ए बी को जॉइन करने वाली लाइन आप ये देख रहे होंगे ए बी लाइन। ठीक है, एंड सी डी, सी के कोऑर्डिनेट है डी के कोऑर्डिनेट आपके पास है। ठीक है, तो दो लाइनें हो चुकी है आपके पास, एक तो ए बी और एक सी डी, ये कह रहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, तो मैंने अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन बताया था, उन दोनों की स्लोप सेम आनी चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, कब जब ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसने गिवन क्या है, गिवन में क्या दे रखा है कि जो ए बी है और सी डी है वो दोनों पैरेलल हैं, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें, सॉरी आपको दे रखा है ए के और बी के पॉइंट से जो लाइन आ रही है वो, और सी के और डी के जो पॉइंट है उनसे जो लाइन आ रही है वो, बस और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी इफ एंड ओनली इफ, यहां पे सिंपल इफ आएगा एक ही, इफ एंड ओनली इफ, दो लाइनें पैरेलल कब होंगी जब उन दोनों की स्लोप सेम हो, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो ए बी की स्लोप क्या आएगी वो आपको अच्छे से आती है, दोनों पॉइंट है आपके पास, तो y2 टू माइनस वाई वन यानी 8 माइनस फाइव अपॉन x2 टू माइनस एक्स वन फाइव माइनस थ्री, इधर माइनस फोर माइनस वाई वन माइनस वन है अपॉन x2 टू माइनस एक्स वन फाइव माइनस सेवन,
यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे 2, इधर -5 -+1 -3 और इधर -2, ये माइनस कैंसिल दोनों का, तो 3/2 इक्वल 3/2, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सो ए बी पैरेलल टू सी डी हेंस ट्रू, यही हमको प्रूव करना था। क्यों? क्योंकि दोनों की स्लोप सेम आ गई, कोई भी दो लाइन की स्लोप सेम हो इसका मतलब वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, या फिर क्या, या फिर कोइंसाइड है, मतलब वो कोलिनियरिटी वाली। आगे देखते हैं 11th में हमको इसने प्रूव करवाया है कि ये जो ए बी है ना और ये जो सी डी है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमने 7th क्वेश्चन में देखा था परपेंडिकुलर के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या था, स्लोप का जो रिलेशन था वो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, किन की स्लोप का, जो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है उनकी स्लोप, तो मैं ए बी की स्लोप निकाल लेता हूं पहले, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी उसको मैं M1 लेट कर लेता हूं, और जो दूसरी लाइन है सी डी उसकी स्लोप को मैं M2 लेट कर लेता हूं, तो M1 निकाल लो पहले, M1 क्या आएगा यानी ए बी की स्लोप, तो Y2 -3 -Y1 2 यानी -3 -2, Y2 -Y1 अपॉन X2 -X1 4 -7, सोल्व करो इसको, ऊपर -5 और नीचे -3 यानी 5/3। अब M2 निकालो यानी CD लाइन की जो स्लोप है वो निकालनी है, CD लाइन की स्लोप इसको X1 Y1 लेट कर लो, इसको X2 Y2 लेट कर लो, तो Y2 -Y1 यानी -1 -5 -1 -5 अपॉन X2 -X1 8 -2 8 -2, सोल्व करते इनको, ऊपर आएगा -6 और नीचे आएगा 8 +2 10, 2 से कैंसिल हो रहा है -3 और ये नीचे 5 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो इनकी जो स्लोप आई M1 M2 उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो M1 M2 आप फाइंड कर लो, वो -1 आ जाना चाहिए, M1 क्या है 5/3 मल्टीप्लाई M2 -3/5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 -1 बचा, ठीक है, इसका मतलब जो ए बी है और जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है। ओके, आज के लिए इतना काफी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।